एक दादी लेकर जा रही है बेहन, जिसको हमको मन करता है शहर में गांव में रहने का और इसका मन करता है शहर में, तो हम भी उठा लिए। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। तो आज मैं अपने घर नहीं हूँ, मैं आया हूँ अपने मामा के घर, क्योंकि यहाँ पे है पूजा, मतलब करा जो होता है वो बस यादव ही लोग करवाते हैं, मतलब ये यादव के साथ कुल पूजा है, बाकी उतना डिटेल में नहीं पता, आप लोग यूट्यूब कर सकते हैं, यूट्यूब जिंदाबाद। और अभी आज नहीं है, कल है, तो आज घर का साफ सफाई हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल हम आए अपने मामा के लड़के के साथ खेत में, ये चारा काट रहा है भैंस गुरु का, इसका नाम है हंस। तो अभी बस ये आज इतना ही चरी है, मतलब थोड़ा सा ही है, इस खेत में पूरा चरी बोया था, तो धान रोपने का समय है, तो अभी इसलिए चरी कटा रहा है, और ये आज पूरा चरी कटा भी जाएगा। बाकी इधर पूरा एकदम दियाती दियात है, मतलब खेती खेत है, और जो इसका काम है, जो वो लगा हुआ है, पड़ा हुआ है अपने खेतों में, मतलब धान रोपते समय। एक दादी लेकर जा रही है बेहन, जिसको बोलते हैं ये सब जो रोपा गया है उसको बोलते हैं बेहन। तो ये पूरा लोकेशन है कुछ इस तरह, पूरा एकदम मैदानी मैदान है, और ये कि दादा अपने खेत में काम करते हुए, और ये भाई चरी काटते हुए, और सामने है मेरे मामा का घर। तो एक थोड़ी राजा, तीन चार पाँच छः खड़ा है, बहुत वजन है चलिए। पूरा कटाई किया तो यहाँ पे पूरा चरी कट गया है, और थक भी गए हैं काटने में, तो अब चलते हैं चरी को कोर बनाते हैं, मतलब काटना है, मशीन में मारते हैं इसको। उससे पहले इस सब चरी को ढोकर लेकर चलना है घर पे, और ढोकर लेकर चलने में इसकी समझ जाओ। ट्रैक्टर भी चल रहा है यार, गांव में मतलब यही सब है, मतलब मज़ा आता है काम करने में भी, और नज़ारा भी देखने में। इधर की छोटी छोटी बाबू भी, मतलब बच्चियां भी काम कर रही हैं, बाकी सही है, एकदम ठंडी ठंडी हवा भी चल रहा है, चारों तरफा हरियाली हरियाली, और एक शहर में आप लोग देखते हैं ये क्या रहता है। हमको मन करता है शहर में गांव में रहने का, और इसका मन करता है शहर में, क्या है बदे भाई। हाँ फिर से बोल, कहा है बदे तुके शहर में रह का मन कर रहा है। इसको पता नहीं क्यों शर्म आ रही है वीडियो में आने, मतलब व्लॉग में आने से, पता नहीं, लड़का है फिर भी, मतलब यार लड़कियां भी नहीं शर्माती, पर ये लड़का होके शर्माता, कहा है बदे यार। सर मारा है इसको, मतलब इससे बात ही नहीं करने लायक है। तो ये उठा कर लेकर चल रहा है, और हम भी अब चलते हैं, उठाते हैं और लेकर चलते हैं। तो हम भी उठा लिए भाई, कहने को तो कह दिया कि गांव में रहना आसान है, पर गांव में रहना आसान नहीं है, बहुत मेहनती है गांव का लाइफ, पर सही है। तो चरी पूरा काट दिया है, पर पूरा मारा नहीं जाएगा, यहाँ पर मोटर चालू कर रहा है, मतलब मोटर लगा रहा है लाइन में, और ये रही काटा मशीन। तो और ये चरी यहाँ पे लगा दिए ढोकर, और इससे खच 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 मारा जाएगा। वैसे आज से 5-6 साल पहले मेरे घर में भी मतलब यही सब था, मतलब मेरा जहाँ घर है वहाँ पे भी मतलब खेती होती होता था, लेकिन अब पूरा घर ही घर बन गया है, तो ख़त्म हो चुका है सब कुछ, और वहाँ पे घर बन गया तो वहाँ पे ये सब सिस्टम ख़त्म। ये गाँव है, गाँव में तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, गाँव तो भैया गाँव है, ये लगा रहा है। लग गया, ये लाइट है। हाँ यही नहीं, कहाँ जाए, तो कहाँ है कल उड़ा रहा है, और इसमें खोसा जाएगा प्लग, और ये तार लेकर जाएगा अंदर वहाँ पे,
हो चुका है, काटा मरा चुका है और लाने जा रहा है और मारेगा क्योंकि कम पड़ गया है। तो ये अपना ये काम करेगा, हम चल रहे हैं उस घर। ये दूसरे वाले मामा का घर है, अब चलते हैं बड़े मामा के घर। तो अभी हम आ गए हैं छत पे खाना खाने क्योंकि भूख लगा है। उधर हम लोग चरौरी काट कर काटा उटा मार कर एकदम पैक कर कर जहाँ पे जाना था उसको भेज दिए हैं डेरी पे। अब अगला दिन है, मतलब कल काटे थे चरौरी तो आज अगला दिन है, तो आज हो रहा है खरा स्टार्ट हो चुका है। तो आइए आपको दिखाते हैं। एकदम मस्त दिखा, उधर से किया आदमी ने, अरे उधर से किया आदमी, अरे उधर तो इधर चपक कर बादल गिरे हैं। बारिश होने का पूरा बारिश होने का पूरा आशा लग रहा है, पर इधर कढ़ा भी शुरू हो गया है, मतलब पूजा भी शुरू हो गया है, पता नहीं बारिश होगा कि नहीं। अब देखते हैं, टाइम पे छोड़ते हैं टाइम के हिसाब से। नीचे हम जाएं जा, तो इधर पानी बरसने लगा, देख सकते हैं आप तेज से पानी आ चुका है। और यहाँ पे छत पे खाना होना का सिस्टम बन रहा है। इधर सफर मटर धो रहे हैं मामा, पकड़ा कोई। और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश बंद हो चुकी है। और इधर पूरा व्यू देखिए क्या मस्त लग रहा है, पूरा एकदम मैदानी मैदान है बाकी। और आगे साइड पूजा हो रहा है, ये शायद माँ दुर्गा माता का, मतलब कुल भगवान जी का पूजा होता है हम लोग में। और पानी पड़ रहा था, पानी बंद हो चुका है। तो पानी बंद हो गया। कहा तो सही में भगवान जी आ गए उनका उनके में। तो इधर बारिश बहुत तेज हो रहा है, बहुत चपकर हो रहा है बारिश, आप देख सकते हैं। और हम भी भींग रहे हैं, तो ये खेतों के लिए तो अच्छा है, लेकिन आपको एक मैजिक दिखाता हूँ। मतलब इधर बारिश बहुत तेज हो रहा है और इधर पूजा चल रहा है, जो कि पूजा का आज जो है हवन का आग
बुझ नहीं रहा है। इधर आग चल ही रहा है और बारिश भी हो रहा है। तो यहाँ पे हो चुका है पूजा समाप्त और आज के ब्लॉग में बस यही था। आप देखें मतलब एक देहाती लाइफ मतलब तो आप देखें थोड़ा आए थे मामा के गाँव तो वहाँ पर मतलब लाइफ स्टाइल थोड़ा दिखाएं और पूजा था तो पूजा दिखाएं। तो अब इस ब्लॉग को करते हैं इसे पेंट। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।